दोस्तों, आपने भाकर तो कई प्रकार के खाई होगी, मगर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुजराती भाकरी कैसे बनाते हैं। गुजराती भाकरी हम कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं गुजराती भाकरी। गुजराती भाकरी बनाने के लिए हम घी लेंगे, फ्रेश मलाई लेंगे और गेहूं का आटा लेंगे। सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। मलाई हम थोड़ी ज्यादा ही लेते हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। अब हम इसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें एक चम्मच घी भी डालेंगे। घी डालने से हमारी भाकर है ना थोड़ी क्रिस्पी बनती है और अच्छी बनती है, सॉफ्ट भी रहती है और क्रिस्पी भी बनती है। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए, हमने ये आटे को अच्छे से मिला लिया। हमारी मलाई, हमारा घी सब आपस में अच्छे से मिल गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे। हमें इसे ऐसे मिलाना है कि हमारा ये आटा बहुत ज़्यादा नरम ना हो, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि आटा हमारा थोड़ा सख्त चाहिए होता है। गुजराती भाकर बनाने के लिए हमारा आटा जो है वो थोड़ा सख्त चाहिए, क्योंकि भाकर, अब ये देखिए हमने है ना ये आटे को अच्छे से भिगाया है। अब इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे। अब 15 मिनट रेस्ट के बाद ये देखिए हमारा ये आटा रेडी है। अब हम इसे मस लेंगे हाथों से। हमारा ये आटा थोड़ा सख्त भी है और थोड़ा नरम भी, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं चाहिए हमें। ये देखिए हमारा ये आटा बनके तैयार है। अब हम इसके गोलियां बनाएंगे। अब ये देखिए हम इसके गोले बना रहे हैं, लेकिन ये जो गोले हैं हमारे वो थोड़े से मीडियम साइज़ के होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं और बहुत बड़े नहीं, क्योंकि हमारी जो भाकरी है वो एकदम मीडियम साइज़ में बनेगी। ये देखिए हमारी ये लोई तैयार है। अब हम इस लोई को बेलेंगे और अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे। पूरे चारों कोनों से अच्छे से बेलना है हमें। ये देखिए हमारा इस भाकरी का साइज इतना होना चाहिए, बहुत बड़ी भाकर भी नहीं बनानी है हमें। अब हम इसे, ये देखिए हमारी भाकरी तैयार है। अब हम इसे सेकेंगे। अब ये देखिए तावे के ऊपर हमने गरम तावे पे से सेक रहे हैं। ये थोड़े से बबल्स जैसे आ गए हैं, मतलब एक साइड से थोड़ी पक गई है। अब हम इसको पलट देंगे और अब हम इसको चेक करेंगे नीचे से भी अच्छे से पक गई है कि नहीं, नहीं तो थोड़ा और पकाएंगे। अब उसके बाद हम एक चिमटे से इसे गैस पे सेकेंगे, क्योंकि इसे हमें गैस पे इसलिए सेकना है और थोड़ी मीडियम आंच पर ही सेकना, बहुत तेज आंच पर नहीं सेकें, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे सेकेंगे तो ये जल जाएगी, हमें इसे जलाना नहीं है। ये देखिए हमारी भाकर अच्छे से सिक गई है। अब हम इसमें घी लगाएंगे और घी लगाते वक्त हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा नोक प्रेस करेंगे ताकि वो घी पूरी तरीके से भाकर के अंदर चला जाए। और अब हम दूसरी भाकर बनाना बताएंगे आपको। ये देखिए उसी तरीके से हमारी भाकर को पकाएंगे, हाँ दूसरी तरफ फिर पलटेंगे और फिर हम इसको गैस के ऊपर सेक लेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पे ही सेकना है, एकदम खूब तेज आंच पे नहीं सेकना है। अब हम इसे घी लगाएंगे। अब हम इसे देखिए इस तरह से चम्मच से प्रेस करके इसमें घी अंदर से चला गया है और अब हम इसे सर्व करेंगे और हम इसे कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।